अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर खालिद अंसारी है और आज मैं बात करूंगा डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो डायबिटिक पेशेंट को जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है उनको राइस नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, बेकरी आइटम यानी मैदे से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, पाव टोस्ट खारी नहीं खाना होता है। वो लोग फ्रूट खा सकते हैं, कटा हुआ फ्रूट जो भी एक मुट्ठी भर आता है वो दिन में एक बार खा सकते हैं, जैसे सेब है, पपया है, तरबूजा है, खरबूजा है, बैर है, जामुन है, अनानास है और केला वगैरह है, एलची केला है, ये सब खा सकते हैं। लेकिन जूस नहीं पीना होता है क्योंकि एक गिलास जूस बनाने के लिए काफ़ी फल का इस्तेमाल होता है। इसी तरह दूसरा सवाल होता है कि हमें नमक कितना खाना है। तो डायबिटिक पेशेंट जिनको साथ में ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको ऑलमोस्ट 3 से 5 ग्राम सॉल्ट दिन भर में खाना होता है। 3 से 5 ग्राम सॉल्ट का मतलब होता है कि नॉर्मली खाना बनाने में, एक एवरेज खाना बनाने में जितना नमक सब लोगों के लिए इस्तेमाल होता है वही डायबिटिक और ब्लड प्रेशर मरीज़ को भी खाना होता है। सिर्फ उनके लिए जो एक्स्ट्रा नमक, जो सॉल्ट होता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो पापड़, चटनी, अचार, रायता या बोलो छाछ में इस्तेमाल होता है वो सब इस्तेमाल नहीं करना होता है। फ्राइड आइटम वाले सॉल्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। फिर आता है, लोग पूछते हैं कि हमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल करने चाहिए। तो कोई भी ऑयल परफेक्ट नहीं होता है, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल है, ग्राउंड ये राइस ब्रॉन ऑयल है, ग्राउंड फ्लोर ऑयल है, ग्राउंड नट्स ऑयल है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वांटिटी कितना यूज़ करें। तो क्वांटिटी है 0.5 लीटर पर मंथ पर पर्सन। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 0.5 लीटर पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से 2 लीटर उस घर के लिए एक महीने में इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो यानी कि आपका ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितना एक डायबिटिक पेशेंट को खाना खाना चाहिए। तो नॉर्मल एवरेज फीमेल पेशेंट के लिए 1500 कैलोरी की डाइट एडवाइस होती है और नॉर्मल मेल पेशेंट के लिए जिनका वेट एवरेज है 60 से 70 किलो के आसपास है उनके लिए 1800 कैलोरीज एडवाइस होती है। ये डायबिटिक डाइट चार्ट 1800 कैलोरीज के हिसाब से है जो ज़्यादातर जेंट्स मेल पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें भी अलग अलग वक्त पे कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है लिखा गया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी शेयर कर दूंगा। ये डायबिटिक चार्ट 1500 कैलोरीज के लिए है जिसमें अलग अलग टाइम्स में क्या क्या खाने का इस्तेमाल करना हुआ है बताया गया है। डायबिटीज़ की बीमारी यूजली लोगों को सिंगल में नहीं होती है, साथ में मरीजों को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए डायबिटीज़ के साथ साथ इन सब बीमारियों का भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो वो नॉनवेज का थोड़ा परहेज करें, तेल घी मसाले का परहेज करें, मीठा ना खाएं और इन सब बीमारी की दवाएँ भी लें। इसके साथ साथ और भी लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है। बहुत से पेशेंट लोग गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इसको बंद करें, क्योंकि इनको बंद करना एक प्रॉपर मेडिसिन लेने के बराबर ही होता है। उसके साथ साथ डेली वॉकिंग करना, अगर आप डेली वॉक करते हो तो 30 मिनट या ऑल्टरनेट डे वॉकिंग करते हो तो 45 मिनट्स वॉकिंग करना ज़रूरी है, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम या जब भी आपको मिले एक बार में या दिन में दो एक बार में डिवाइड करके 30 से 45 मिनट का अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग एक्सरसाइजेज में, ब्रिस्क वॉकिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, इस तरह की एक्सरसाइजेज डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। खाना खाने का सबसे सही वक्त क्या होता है, इसमें मैं बात करूंगा टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग के बारे में। चूंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हम लोगों की ज़्यादातर एक्टिविटी नाइट में शिफ्ट हो गई है, हम लोग ज़्यादा देर तक जागने की आदत हो गई है और वर्किंग की वजह से और दूसरी कई वजूहत की वजह से लोगों का जो नाइट की डाइट है, डिनर जो है वो काफ़ी लेट शिफ्ट हो गया है।
यूजली लोगों का डिनर 10, 11, बहुत से लोगों का 12 बजे तक होता है, और डिनर के फौरन बाद 1-2 घंटे के अंदर सो जाते हैं, यानी जब वो सोते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से डायबिटीज़ या वेट लोगों का बढ़ रहा है, और वेट रिलेटेड बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों को डिनर और नाश्ते के बीच में कम से कम 12 घंटे का गैप देना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना नॉर्मल सर्काडियन रिदम फॉलो करें। सर्काडियन रिदम क्या होता है? ये हमारा बेसिकली सनराइज से सनसेट के बीच में और सनसेट से सनराइज के बीच में जो बॉडी का पैटर्न है कि हम लोग दिन के टाइम एक्टिविटी करते हैं और सूरज डूबने के बाद एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और हम लोग सो जाते हैं, बॉडी को रेस्ट देते हैं। इसको क्योंकि इसके हिसाब से बॉडी के बहुत से हार्मोनल सिस्टम चेंज होते हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, लेकिन चूंकि आज हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, रातों में भी लाइट जले रहने की वजह से, देर देर तक जागने की वजह से, ये जो 12 घंटे का गैप है डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में, वो हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और आज की तारीख में डिनर और ब्रेकफास्ट के गैप ऑलमोस्ट 7-8-9 घंटे का ही होके रह गया है। 12 घंटा क्यों ज़रूरी है? जब हम लोग दिन में खाना खाते हैं तो हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के ज़रिए मसल्स और लीवर में डिपॉजिट हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो फैट की शक्ल में डिपॉजिट हो जाती है। तो दिन में अगर बीच बीच में जो गैप होता है खाना खाने के बीच में, उसके उसके दौरान जो हमारी एनर्जी लीवर और मसल्स में स्टोर रहती है वो यूज़ होती रहती है, लेकिन फैट के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो यूज़ नहीं हो पाती है। इसके लिए 12 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ घंटे के बाद एनर्जी जो है लीवर और फैट मसल्स की ख़त्म हो जाती है और फैट के अंदर की ये एनर्जी यूटिलाइज होने लगती है। चूँकि हम अपना जो गैप है डिनर के और ब्रेकफास्ट के बीच में कम रखते हैं, इसलिए फैट के अंदर की एनर्जी कम यूटिलाइज होती है और वो फैट बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहता है और अल्टीमेटली वो हमारे वेट गेन को बढ़ाता है। इसके लिए टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी तरह कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा ब्रेकफास्ट उठने के 1-2 घंटे के अंदर हो जाए और हमारा डिनर 7-8 मैक्सिमम 8:30 बजे तक पूरा हो जाए, और उसके बाद हमें अनाज का एक दाना भी नहीं खाना है जब तक हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं होता है 12 घंटे के बाद, और तब तक हम सिर्फ पानी पी सकते हैं। अगर हम इस तरह से करें तो हमारा वेट बढ़ना ज़रूर कम हो जाएगा, उससे शुगर का कंट्रोल भी इम्प्रूव हो जाएगा और वेट रिड्यूस होने में भी इससे मदद मिलेगी। ये रूल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी डायबिटीज़ बहुत फ्रजाइल होती है, जिनको रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं, जो मल्टीपल मेडिसिंस में रहते हैं, जो इंसुलिन ले रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा खाने डिनर और ब्रेकफास्ट का ड्यूरेशन है उसको 8 घंटे के करीब रखना पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में कई मॉडर्न मेडिसिंस ऐसी अवेलेबल हैं जिनका इफ़ेक्ट इंसुलिन मील डिपेंडेंट नहीं होता है, तो हम अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर से मिल के उस तरह की मेडिसिन एडजस्ट कर सकते हैं, दवाओं का डोज इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, इंसुलिन का डोज इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप अपना डिनर और ब्रेकफास्ट का गैप 8 घंटे से लेके शुरू में 10 घंटे और अल्टीमेटली 12 घंटे तक बढ़ा सकें। अगर हम इस तरह से कर पाएंगे तो ये डेफिनेटली हमें वेट बढ़ने से रोकने में मदद करेगा एंड वेट रिड्यूस करने भी मदद करेगा। क्योंकि एक स्टडी में ये पाया गया था कि उन्होंने चूहों के ऊपर स्टडी किया था, देखा कि चूहे जो होते हैं यूजली वो रात में खाना खाते हैं, दिन में रेस्ट करते हैं, दिन में वो खाना नहीं खाते हैं। तो उन्होंने स्टडी के दौरान सेम अमाउंट ऑफ खाना 2 ग्रुप को चूहों में डिवाइड किया, एक को वो लोग सिर्फ रात में खिलाते थे और सेम अमाउंट दूसरे ग्रुप में 24 घंटे में खिलाते थे सेम अमाउंट का खाना। तो देखा गया कि जो लोग सिर्फ रात में खाते थे उनका वेट गेन नहीं हुआ, लेकिन जो दिन भर खाते थे, दिन में भी खाते थे रात में भी खाते थे सेम अमाउंट खाना खाने के बावजूद, उनका वेट गेन हुआ। सो इसलिए टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें किसी तरह से भी कोशिश करके 10 से 12 घंटा कम से कम डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में गैप देना है। उस बीच में कुछ भी नहीं, इवन बिस्किट, एक सिप ऑफ चाय
थोड़ा बहुत आइसक्रीम कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं। शुरू में थोड़ा बहुत हंगर पैंग्स आ सकते हैं, भूख लग सकती है, थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है, बट अगर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा है तो हम उसको एक हफ्ते में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हंगर पैंग्स और बॉडी के ये जो अलामत होती है, बॉडी का बेसिकली रिपेयरिंग की अलामत होती है, और ये हफ्ते 10 दिन में एडजस्ट हो जाती है। अब मैं बात करूँगा हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया लो शुगर उसको कहते हैं जब आपका शुगर 70-80 मिलीग्राम के नीचे चला जाए और आपको उसके सिम्टम्स आने लगे। सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के होते हैं भूख लगना, घबराहट, बेचैनी, ठंडे पसीने आने लगना, बेचैनी होना, और ज़्यादा सीवियर केसेस में लोगों को बेहोशी भी आ सकती है। तो अगर इस तरह के कोई अलामत आपको मालूम पड़ती है, अगर आप डायबिटीज़ की दवाएं ले रहे हैं, तो अगर आपके पास फैसिलिटी है तो तुरंत अपना शुगर चेक करें, और शुगर 70-80 के नीचे जा रहा है तो उसके लिए तुरंत 3-4 चम्मच शक्कर आधा एक गिलास पानी में डाल के पी लें। उस वक्त तक उस टाइम पे आप कोई फ्रूट खाने जाएंगे या कुछ खा के या चॉकलेट बिस्किट खा के अपना शुगर कंट्रोल करने जाएंगे तो शुगर कंट्रोल होने में टाइम लग सकता है और आपकी हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स बढ़ के आपको अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, इसलिए शुगर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पेशेंट लोग और एक प्रॉब्लम में काफ़ी मुब्तला रहते हैं, वो है नींद की प्रॉब्लम। क्या हमें नींद जल्दी नहीं आती है, रात सोने में बहुत टाइम लगता है, उसकी कई वजूहत है और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप ले सकते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि डिनर और आपके सोने के टाइम के बीच में एटलीस्ट 4 आवर्स का गैप होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपको 5 से 6 बजे के बाद कोई भी टी या कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और इससे नींद आने में प्रॉब्लम होती है। आप अपने डिनर में मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नींद के लिए काफ़ी मदद करता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको नींद के टाइम से कम 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद करना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ब्लू लाइट का एमिशन होता है, ब्लू लाइट निकलती है जो रेटिना में जाके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। इसलिए लोगों को ज़्यादातर आज की तारीख में जो नींद की प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज हम लोग देर रात तक मोबाइल फ़ोन करने के आदी हो गए हैं और वो ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही होती है, इसलिए नींद नहीं आती है। सो अगर आप टाइम पे सोना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें और सोने से कम 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करें। इंशाल्लाह आपको टाइम पे नींद आएगी, भरपूर नींद आएगी, और आप 6 से 8 घंटा अपनी नींद को इन्जॉय करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।